बेंगलुरु की सड़कों पर बने गड्ढे जो हैं वो हजारों की तादाद में जा चुके हैं और कई लोग जो हैं उसके चलते हादसों का शिकार हो रहे थे। और अब इन सड़कों पर बने गड्ढों को भरने का काम शुरू किया जा रहा है। राज्य के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने बीबीएमपी को चेतावनी दी है कि 15 दिनों के अंदर या तो ये गड्ढे भरे जाएं और या फिर अधिकारी जो हैं वो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। इन गड्ढों से बचकर चलना आसान नहीं रह गया। बेंगलुरु शहर में आगे पीछे के वाहनों के साथ साथ गड्ढों का भी ध्यान रखना पड़ता है। पूरे बेंगलुरु में ऐसे ही है। इवन दो इट्स कॉल्ड एज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, इफ यू सी विलेज रोड्स आर बेटर। फोर व्हीलर्स आर स्टिल ओके, मतलब हमारे लिए तो चलेगा, फिर भी हम लोग सीट बेल्ट लगा के जा सकते हैं। टू व्हीलर्स रात को दिखाई नहीं देगा एंड देन यू आर जस्ट ऑन द रोड। 15 दिनों में तकरीबन 3,000 गड्ढों को भरना है, यानी 200 गड्ढे हर रोज। आगे से बारिश के बाद शहर में ऐसे गड्ढे न बने, इसके लिए एक विशेष प्रोजेक्ट शुरू होगा जिस पर 660 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हमने बीबीएमपी को साफ निर्देश दिए हैं कि जैसे भी हो 15 दिनों के अंदर सभी गड्ढे भर दिए जाएं। एक जमाना था जब इस शहर में गड्ढे ज्यादा थे और सड़कें कम, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं है। फिर भी जो गड्ढे हैं उनका भरा जाना जरूरी है क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।